हम आ गए यहाँ टू एक्सपो में और यहाँ पे किया पवेलियन है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किया ने क्या क्या अपकमिंग कार लॉन्च कर रही है और क्या ईवी कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो आप देख लो छोटी छोटी सी, यहाँ पे K4 मिल जाएगी आपको, यहाँ पे EV6 भी किया ने लॉन्च करी। EV6 के बाद आपको EV9 एक ब्रॉड इंडिया के लिए कि नहीं ये आगे चलेगा, पुलिस कार का कॉन्सेप्ट, पुलिस कार के साथ साथ एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट, एम्बुलेंस के बाद हमारे जो एवरग्रीन कार्स है सेल्टोस, किया कारेंस एंड हमारी एक्सलाइन एंड सोनेट। तो भाई साहब सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि किया पवेलियन पे ये जो एक अजीब सी, भाई ऐसा लग रहा है कि दूसरे प्लानेट की गाड़ी है जो कि इस गाड़ी को यहाँ पे अर्थ पे लाके खड़े कर दिए। इंडिया फॉरेन तो ठीक है, ये गाड़ी ऐसी लग रही है हटके, बिल्कुल आज तक का ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिला है। तो किया का ये EV9 कॉन्सेप्ट है जिसका अगर आप इंटीरियर हम देखें तो भाई बहुत शानदार इंटीरियर के साथ इन्होंने इस गाड़ी को लॉन्च किया है। मतलब एक्सटीरियर तो देखने लायक ही है, साथ में अगर इंटीरियर भी देखें तो जो कि हमारा टोयोटा लैंड क्रूजर टाइप से और जो टोयोटा का महल है वो पीछे ना हो जाए इसके सामने, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक रहेगी तो भाई खर्चा भी कम और शानदार। आप हेडरेस्टर ही अकेला इसका देखो, बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है किया का ये। इंडिया में इसको लॉन्च करेंगे ही नहीं करेंगे, कब करेंगे इसके ऊपर पर्सनली एक डेडिकेट वीडियो हम बनाएंगे, वो पर्टिकुलर इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर फिलहाल हमें बहुत सारी गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ इस किया पवेलियन की वीडियो पे। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका पीछे का बैक साइड बड़ा मटका जैसा गोल गोल, और पीछे आप स्क्रीन पे देखेंगे LED पे यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसा ये चार्जिंग पे रहेगा, क्या क्या इसका बोनस रहेगा। और ये बहुत शानदार, बहुत से लोग यहाँ पे देखो आप देखेंगे कि बहुत से लोग यहाँ पे खड़े हैं। जस्ट इसके बाजू में किया ने यहाँ पे खड़ी किया रही है अपनी न्यू अपकमिंग कार KA4, ये भी शायद इलेक्ट्रिक ही है और बहुत ही शानदार लग रही है ये भी। और काफी सामने की अगर ग्रिल हम देखें तो काफी चौड़ाई है इसमें, और लंबाई की अगर हम बात करें तो किया कार्निवल भी इसके सामने मेरे को लगता है छोटी है, क्योंकि इसकी हाइट और प्लस इसकी लेंथ बहुत ज्यादा दिख रही है दोस्तों, काफी है, बहुत ज्यादा है इसकी हाइट तो ठीक है लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा। आप वहां पे देखो कि जो हमारी EV9 है जो कि बहुत बड़ी दिख रही है, बट KA4 के सामने EV9 भी थोड़ी सी छोटी दिख रही है, इतनी बड़ी KA4 दिख रही है। पीछे अगर आप लाइट देखो तो काफी अच्छी यहाँ पर टेल लाइट को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड डिफोगर आपको दे दिया गया। इसके बाद यहाँ पर आती है EV6 रेड कलर, तो ये बेसिकली इसका ग्रे कलर तो आता रहा बट ये रेड कलर में नया कॉन्सेप्ट हो भाई, ये तो देख के मेरे को दिल खुश हो गया, बहुत अल्टीमेट गाड़ी लग रही है ये। और रेड कलर पे ऊपर ब्लैक रूफ कर दिया गया है, यहाँ पर आप देखो मस्त मस्त लाइट लगा दिए गए हैं ऊपर ताकि इसकी चमक और रखे, और साइड प्रोफाइल भी इसकी काफी अच्छी है, और बैक प्रोफाइल तो क्या ही कहना है ना, इलेक्ट्रिक मतलब यार आजकल टार्जन वाली फील आने वाली है ना, मतलब लंबोर्गिनी की लुक आपको ईवी में मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देखो इंडिकेटर क्या प्यारे, और पीछे बैक लाइट जो है टेल इसकी बहुत ही शानदार, किया कि यहाँ पे आपको बैचिंग है, डिफॉगर वाली कांच इसमें भी है, और यहाँ पर आप देखो नंबर प्लेट के ऊपर यहाँ पे कैमरा भी माउंट कर दिया गया है यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम इसके इस साइड प्रोफाइल की बात कर, एक मिनट ये देखो ये आप, ये यहाँ पे डोर का जो हैंडल बना है बड़ा प्यारा बना है यार, है ना, मतलब चेक भी नहीं हो रहा है वो। इंटीरियर की अगर बात करें हम, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको इंटीरियर, वो देखो ऑटोमेटिक वगैरह सिस्टम बना दिया गया है ना, और सामने पूरा स्क्रीन ही स्क्रीन, आजकल तो भाई वो मीटर वाला काम ही खत्म हो गया, स्टेयरिंग भी काफी अच्छी है, तो लुक तो बहुत प्यारा है, अलॉय भी इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये रही हमारी EV6, काफी अच्छी गाड़ी। हम देखते हैं हम हमारी जो दूसरी गाड़ी के तरफ अगर जाए, बट नजर हटना नहीं चाह रही है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा देर इसको और देख ले। चलो अब हम यहाँ पे आके अगर देखें तो यहाँ पर किया ने पुलिस कार का कॉन्सेप्ट बनाया, और काफी बड़ी और काफी हाइटेड लाइट यहाँ पर रखी है। अब ये हमारी जो गाड़ी है ये है भाई कारेंस, है ना, यहाँ पर उसको भाई एक साइड एम्बुलेंस का और एक साइड पुलिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना दिया गया है। एक मिनट, ये लोग भाई वीडियो शूट कर रहे हैं, उनको हम डिस्टर्ब ना करें, सब यूट्यूबर हैं, मैम यहाँ पे कुछ बता रही हैं, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं कैमरा को, चलो भैया आप ही कर लो, हम थोड़ा साइड से चल जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हम आते हैं पहले एम्बुलेंस की तरफ, तो एम्बुलेंस में आप देखेंगे कि पुलिस कार में लाइट ज़्यादा ऊंची करा है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा लाइट को ऊंची नहीं किया गया, बट यहाँ पे एम्बुलेंस 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 किया कारेंस एम्बुलेंस,
हर जगह एम्बुलेंस लिखा है, ऊपर लिख दिया 102 एम्बुलेंस सर्विस। ओके अच्छा, ये सिलेंडर वगैरह भी अंदर रखे हैं। और यहाँ पर पुलिस कार का कॉन्सेप्ट है। ऑलमोस्ट दोनों की जो ग्राफिक्स है थोड़ी थोड़ी हटके है, बट ये बेसिकली इतना ऊंचा ये टूटेगा नहीं, क्या कमेंट करके बताना टूटेगा नहीं टूटेगा, खैर वो सेकेंडरी मैटर है, टूटेगा नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे एक चलता फिरता आईसीयू जैसा, लिटिल आईसीयू, ऑक्सीजन वगैरह सिलेंडर, पेशेंट के बेड, ऊपर मॉनिटर वगैरह सब कुछ रखे हैं। मतलब कब तक मारुति की ओमनी में घूमोगे फोर्स में, मतलब ये है कि ये फास्ट रहेगी ना, मतलब एम्बुलेंस टाइम टू टाइम जल्दी पहुंचाने में, क्योंकि कार है भाई, है ना, कमर्शियल व्हीकल नहीं है। और यहाँ पर पुलिस में वायरलेस हो गया, अच्छा था ये भी एम्बुलेंस और पुलिस कार कॉन्सेप्ट, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद आ जाती है हमारी सेल्टोस। सेल्टोस का अपग्रेड मॉडल आपको 2023 में कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्या चेंजेस हैं इसके ऊपर हम डेडिकेट वीडियो बनाएंगे। नॉर्मली यहाँ पर ज्यादा कोई खास चेंजेस नहीं किया गया, हल्का बहुत ग्राफिक का है ना, थोड़े बहुत लाइट्स, मॉडल ग्रिल, क्रोम, बस यही आपको चेंजेस मिलेंगे। बाकी तो ऐसा कुछ मेजर चेंज सेल्टोस में नहीं है। सेल्टोस के बाद अगर हम चलते हैं आगे तो हमारी यहाँ पे खड़ी है किया की कारेंस। और यहाँ पे इसमें एक ये कलर लॉन्च है, क्योंकि ये कलर आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हुआ है। इंटीरियर तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट तो थोड़े थोड़े से यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड को बढ़ाया गया है। टॉप मॉडल है और यहाँ पे आपको अलॉय भी अच्छे मिलते हैं। किया कारेंस की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। पीछे का जो हमारी जो लाइटिंग सेटअप है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखो आप, थोड़ी सी लाइटिंग को अपग्रेड किया गया है, कारेंस में लाइटिंग थोड़ी सी इसको सुधारा गया है। और यहाँ पे हाँ टेल लाइट आपको चेंज मिल जाएगी, या बेसिकली कारेंस। चलो ठीक है, साइड प्रोफाइल अगर हम देखें, ऊंचाई, ओ भैया काफ़ी अच्छी गाड़ी दिख रही है, काफ़ी अच्छी। इंटीरियर इस पे डिस्प्ले अच्छा बड़ा है, ओके। ऐसा लग नहीं रहा है दोस्तों, नॉर्मली टाइप से अच्छी खासी शानदार लग रही है। यहाँ पे हमारी खड़ी है सेल्टोस एक्स लाइन। अब सेल्टोस एक्स लाइन में ये थोड़ा सा कलर यहाँ पे अपग्रेड आया है, ये कलर हमें मार्केट में नहीं मिलता था, अब ये नया कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सेल्टोस एक्स लाइन, ओके। चलो अंदर का देखें हम तो भाई, सीट कवर इसमें हाँ सीट्स वगैरह थोड़ी सी अपग्रेड हुई हैं, यहाँ पर भी कलर फिनिशिंग मैट है, अच्छा लग रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक और खड़ी है हमारी सोनेट। तो सोनेट की ग्रिल में थोड़ा सा अच्छी लग रही है और कलर भी अच्छा लग रहा है। और एलॉय तो यार क्या ही कहना है, एलॉय तो बड़े प्यारे प्यारे एलॉय लग रहे हैं। किया पवेलियन में मेरे को अगर कुछ अच्छा कुछ चेंजेस मिला है मेरे को, तो भाई वो EV9, EV6 और K4 और पुलिस कॉन्सेप्ट एंड एम्बुलेंस कॉन्सेप्ट, ये कुछ देखने लायक था। बाकी तो अपकमिंग हल्का बहुत चेंजेस है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात करना ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो और देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर सोनेट के अलावा। तो सोनेट का इंटीरियर ठीक है, बहुत प्यारा इंटीरियर तो यार आजकल होना ही चाहिए, क्योंकि बैठे हुए फिर। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, और ऑटो एक्सपो की हर एक कंपनी की वीडियो हमें मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो पे।